अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का स्वागत है शाइन रेसिपी ब्लॉग पे, मेरे छोटे से किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ, एक ही टाइम का है तो इसीलिए मैंने कम चिकन ली हूँ, 1.25 किलो। अगर आप लोग का ज़्यादा आप लीजिएगा। तो मैं निज़ामी चिकन बना रही हूँ दावतों वाली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ली हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ली हूँ जीरा पाउडर ली हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच अपना जो तेज मिर्ची पाउडर रहता है वो ली हूँ, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ली हूँ या नमक ली हूँ, नमक अपने हिसाब से लेना। और यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली हूँ, और इधर मैंने धनिया पाउडर, ये सब हम इसके अंदर एक साथ मिला लेंगे। इसी के साथ मिलाऊंगी मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर मिलाऊंगी मैंने 50 ग्राम दही ली हूँ। तो आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप ज़्यादा लीजिए, तो मैंने इसको अच्छी तरह पेट पे रखी हूँ। और ये मैं ना सब मिक्स करके रखूँगी 1 घंटे के लिए। देखो इस तरह मैंने दही ली हूँ, और इसके अंदर हम ये कोथमीर भी मैंने काट के रखी हूँ बारीक, तो ये भी हम डाल के इसको अच्छी तरह मिलाए। तो मैं इसके अंदर ये कांदा जो फ्राई करी थी वो भी डाली, अगर आपके यहाँ जो मिलता है रेडीमेड अगर वो होगा तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको करूँगी मिक्स, तो इसको मिक्स करके मैं रखूँगी 1 घंटा। मैं शाम में बनाने वाली हूँ, तो मैं अभी से इसको मिक्स करके फ्रिज में ही रखूँगी। तो मैं आपको फिर बताऊँगी किस तरह भी मैं इसका ग्रेवी करी बनाऊँगी। तो देखो ये कढ़ाई के अंदर मैंने 3 चम्मच तेल लिया, आप आपके हिसाब से लेना। और देखो यहाँ मैंने कुछ काली मिर्च, तेज़पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा दालचीनी, और 2 ली मैंने हरी इलायची, तो इसको भी हम डालेंगे। तो इसमें मैंने 2 कांदा जो मैंने चॉप काटी हूँ ये भी इसके साथ डाल के फ्राई करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। तो देखो मैंने इस तरह से कांदा लाल करी हूँ, और ये देखो ये मैंने रखी थी तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे, मैंने फ्रिज में रखी थी तो मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। चिकन अपन चिकन क्या बन रहे, निज़ामी बना रहे, तो इसके लिए ये मसाला चल। अभी मैं इसको ना लो फ्लेम पे अपन को ये करना है, भूनना है, तो मैं आपको भून के बता। देखो इस तरह से मैंने इसको भूनी 10 मिनट तक, और मैंने जो पानी थोड़ा सा डाली नहीं, बिना पानी के मैंने भूनी हूँ, तो जो मसाला था जिसमें मैंने रखी थी उसका पानी इसमें डाल दूँगी, और इसको और भूनूँगी मैं, भून के और बताऊँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है, देखो आप मस्त अच्छा बना हुआ बन रहा है। अभी हमारी मुर्गी गली नहीं है इसलिए हमको और मुर्गी को गलाना। तो मैं इसके साथ ये हरी मिर्ची भी 3 डालूँगी। आप लोग जब उतारने के टाइम पे जब डालते हो डालो, मैं अभी डाल दे रही हूँ, बस वही पानी जो डाली थी उतना ही है, उसके बाद मैंने पानी नहीं डाली हूँ। माशाल्लाह से देखो बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये, आप ज़रूर बनाइए। देखो ये अभी मैं और इसको ढक ढक के मैं इसको बना रही हूँ, अभी इसको और मैं ऐसा ढक दूँगी तो मैं आपको बता दूँ। तो देखो माशाल्लाह से कितनी तरी और कलर भी माशाल्लाह से आया है, और मेरा गोश्त वगैरह सब गल गया है। तो अगर आपको ये ऐसे कंडीशन में रखना है जैसा ठीक रखना है तो आप रख सकते हैं, चपाती के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें थोड़ा भी पानी डालना है तो आप डाल के कर सकते हैं, तो मैं तो ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये देखो ये मेरा निज़ामी चिकन करी हो चुका है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपको अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।